देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा अनुरूप निःशक्त बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़े स्तर पर योजना बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को रेलवे NEI ग्राउंड में इसी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। रेलवे के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में रेलवे कर्मियों के हर वर्ष के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट प्लान की बारीकियों की जानकारी दी गई। देश में ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं या अपंगता की वजह से लाचार है। उन बच्चों को स्वयं का रोजगार के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित कर उनमें विकास लाने की योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है। उसी योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी अपने लाखों रेल कर्मियों के बच्चों को पंजीकृत कर उनमें स्किल डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे। सेमिनार में अतिथि के रूप में शिरकत किए DRM देवराज पंडा और मुख्य कार्मिक अधिकारी PC नायक ने इसकी अहम जरूरत और प्लानिंग की जानकारी दी। और हमारा जो प्रधानमंत्री का जो स्कीम है उसके तहत जो भी स्किल्स जरूरत है वो हम अपना एम्प्लॉय का वार्ड को या वुमेन एम्प्लॉय को दे देंगे। अभी हमारा जो बिलासपुर डिवीजन DRM साहब है उनका जो MOU साइन हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, उसके तहत जो जो ट्रेनिंग हम दे सकते हैं उसका भी एनालिसिस होगा। उसके बेसिस पर हम सारे रेल एम्प्लॉय या उनका वार्ड या एम्प्लॉय वुमेन एम्प्लॉय को हम लोग दे देंगे। नहीं, रेलवे की तरफ से आपको जैसे मालूम है MOU साइन हुआ तो हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे, पहले तो एनालिसिस करेंगे उनको क्या क्या स्किल उनको ज़रूरी है, वो क्या चाहते हैं, उसी बेसिस में वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टेट स्किल डेवलपमेंट सेंटर से मिलके वो बनाया जाएगा प्रोग्राम। और उसमें जो कि अभी आपको जैसे मालूम है हमारे देश में लाखों बच्चे हर साल निकल रहे हैं जो BA में पढ़े हैं लेकिन कुछ स्किल नहीं, उसके साथ कुछ स्किल होना चाहिए। आपको कंप्यूटर एजुकेशन होना चाहिए,